हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं ड्रॉप आउट चैनल से ट्रेंडिंग मीम्स, डैंग इंडियन मीम्स, मीम कंपाइलेशन, वायरल मीम्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रांझा ये तबाह हो गया, कुछ हमें क्या हो गया। यही मॉडल, तेरे से अच्छी फोटो ना अगरबत्ती के पैकेट पे होती है। नहीं नहीं मैडम, वो पैकेट फिर अगरबत्ती का नहीं होगा। यार अरे यार, चना पूरन सिंह ऐसे ही जोक्स पे करके हंसा। यो हिला डाला ना। मैं कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, चार पाँव वाले। अच्छा, चार पाँव वाले कुत्ते लाजमी है। हाँ, ये बोलना। दो पाँव वाले बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझ गया। फैसिनेट हो गया हूँ मैं जानने के लिए कौन है ये दो पाँव वाले कुत्ते। ये बाकायदा भौंकते भी हैं, काटते भी हैं। अच्छा, इनकी दुम आगे होती है पीछे होती है? आगे दुम वालों की बात कर रही है। ठीक है, आप कौन लगा? खुशी, इस चॉकलेट का नाम बता। मेलोडी। अच्छा, इन्होंने ड और ड में कोई अंतर ही नहीं छोड़ा है। क्या बात है। निकिता, जियान आया है बेटा तुमसे मिलने। तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ सब्जियों का काट कर जैसे तूने अपना कटवाया था। ये भगवान क्या जुलूम है। फिर पनीर ले लो जो तेरी औका में है, क्योंकि दूसरे वाला तो तेरी औका के बाहर है। फिर औका वाले पनीर को शेप में काट दो और गर्मा गर्म तेल में लोढ़ा लहसुन फेंक कर मार और हिलाने लग जा। फिर अच्छी तरीके से हिलाने के बाद उसी में प्याज भी डाल के हिला ले। उसमें शिमला वाली मिर्च डाल और फिर से हिलाने लग जा। टमाटर डाल, फिर से हिला। औका वाली पनीर डाल, फिर से हिला। जला देने वाली सॉस डाल, फिर से हिला। अब इतनी बार हिलाने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा सा लाल रंग का कम बन के तैयार हो। उसके साथ गर्म कुत्ते वाली ब्रेड ले ले। ठीक है, समरिया। आजकल कुछ ज्यादा ही याद आ रही है उसकी। एक बार दिला दे। अब उसी चीज के अंदर लाल रंग का कम भर दो। अच्छा, फिर उसको अच्छे से तेल लगा कर ग्रिल कर दो और वैसे ही खाओ जैसे उसको खाते थे। ना भोसड़ी के बेटे, बेटे, बेटे। शराब के नशे में पलासनी गांव के पास मिठड़ी नदी में घासी राम नाम के इस व्यक्ति ने छलांग लगा दी। एक तरफ घटना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग घासीराम को खोजते रहे, दूसरी तरफ घासीराम 2 किलोमीटर आगे जाकर नदी से निकल गया और अपने घर जाकर सो गया। भाई बहुत ही बढ़िया। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मतलब घासीराम तो एकदम दो बाद में सुहाग्रत पे क्या किया जाता है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। okay. जो करना है टिंकू भैया करेंगे, तुम तो बस अपनी टांगे खोल लेना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। टांगे लगता है टिंकू भैया आ गए। मैं जाकर खोलती हूँ। टांगे टांगे तुमको खोलनी है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ये डब्बे में बड़ी हुई हैं, हैं? इनको बचपन से पिंजरे में रखा गया है। वाह, बहुत सही। Women. अरे दीदी, वो मच्छर मारने का कछुआ छाप किधर? मम्मी मम्मी। Women. कौन सी एयरलाइंस है? What? ये नहीं आई है क्या एयरलाइंस? वैसे इस नाम की गाड़ी भी है, कार। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। गाइस, फाइनली अपने मोहल्ला में विकास हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। कौन सा विकास? मैंने सोचा कि इस पे ब्लॉग बनाए। तुम रास्ता पहला काट टोकता है हमको। तुम
सर टोक ना रहे आप सर ब्लॉग बना रहे तो आपसे पूछते विकास हो रहा है बहुत क्या बोल राजनीति करेगा तुम हमारे साथ सर राजनीति मारेंगे गाले लाल कर सर राजनीति करते हैं सर आप कुछ वो बोलते हैं सर ये राजनीति हाँ उनकी असलियत सामने ला रहा था ना तो मार के गाल लाल तो करेंगे ही हेलो Hey. Namaste, namaste. Namaste. Nice to meet you. Kaise ho? You know Hindi? A little bit. Kya baat hai? Is there a girl? Is there a girl? Haan ya, she's a... Where is my face? An ugly dumb shit. Hello. Ek baar dila de. Oh, hi. Nice. Yeah. Thank you. वो छोड़ो ये बताओ मैं हैंडसम हूँ कि नहीं ये बहुत सही ये हुई ना बात बहुत खतरनाक चूतिया काटा भाई कैसे उछल के आए थे ओ नमस्ते वो मैं कह रहा था कि चल वे भोज वाले गिल्ली डंडा खेलने की उम्र में फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहा है एक कभी दबाव सह नहीं पाएगा जब बेइज्जती अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है मेरा नाम है इबू हटेला क्या करते हो एंजॉय करते हो क्या एंजॉय करते हो हिलाते बिट्टे हिलाते बिट्टे हिलाते बिट्टे और जितना का भी मिल जाए मुफ्त में मिल जाए वाला एंजॉय करते हो समझ रहे हो ऐसा कौन सा एंजॉय है यार तुम्हें मुफ्त में मिल जाता है हमें तो नहीं मिलता आप मेरे साथ रहेंगे क्या तुम्हारे साथ ही रूम है यार ये समझ गई एंजॉय करना तो फिर मेरे साथ नहीं ऐसे नहीं मैं वैसे जिंदगी बहुत एंजॉय कर रही हूं चप्पा चप चप्पा चप समझ रहा ना वुमेन डॉल्चे गबाना वाला बैग दे दे अच्छा मुझे डॉल्चे गबाना वाला बैग दे दे तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ डंड हो गई डॉल्चे गबाना वाला बैग दे दे मुझे डॉल्चे गबाना वाला बैग दे दे क्यों नहीं वैसे ये हीरो कॉस्ट्यूम है जिसके मुंह पर जरा से भी मतलब एक्सप्रेशन ही नहीं है 1 लाख का बैग मांग रही है भाई 1 लाख के बैग में क्या रखेगी वही फेस पाउडर लिपस्टिक मोबाइल वगैरह पैसे बस यही वो तो यार 500 वाले बैग में भी रखे जा सकते हैं आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा अंदर जाओ अबे दिमाग है चूतिया ओके यार यहाँ पे ये वीडियो खत्म भाई ओ माय गॉड वाकई क्या मीन्स थे एक तो मतलब वो जो वेडिंग वाला दिखा रहे थे है ना फर्स्ट नाइट वाला सीन तो भाभी चाची आंटियाँ ये जो ज्ञान देने आती हैं मुझे ये नहीं समझ में आता है जितनी लड़कियों की शादी होती है ये क्या डब्बे में पैदा हुई थी हैं मतलब पिंजरे में पैदा हुई हैं जो इन्हें बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है पढ़ाई लिखाई कुछ की है या नहीं की है मतलब ह्यूमन प्रोसेस एक वो तो सबको पता होता है नेचुरल होता है यार इंसान को अपने हार्मोनल चेंजेस के टाइम ही नॉर्मली ज़्यादातर पता चल जाता है हाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ज़्यादा ही डम या तो बनते हैं या तो होते ही हैं पता नहीं लोगों का कुछ ही नहीं पता सो भाई और भी कई सारी इसमें मीम्स थी है ना जो कुछ बहुत ज़्यादा फनी थी और कुछ ऐसी थी कि उनका मतलब ये था कि लोग पता नहीं किस किस चीज़ में लॉजिक निकाल लेते हैं है ना किस किस चीज़ में वो फ़नी ढूंढने की कोशिश करते हैं है ना एक वो जो कपिल शर्मा वाला जोक था ठीक है जिस पे कपिल शर्मा हो चाहे जो हो हर जोक पे अर्चना पूरन सिंह पहले हाँ 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 करके हंसेंगी लेकिन ये नहीं सोचती हैं कि हाँ भैया वो जोक वाकई में है लॉजिकल है भी या नहीं है कुछ मीन्स उसका निकल रहा है कि नहीं उस पक्का वो क्या बोलते हैं अगरबत्ती का पैकेट नहीं होगा तो किस बात का पैकेट होगा भाई है किस चीज़ का पैकेट होगा वो इनडायरेक्टली बेइज्जती करना ये स्पेशलिटी रही है कपिल शर्मा की है ना और वो बेइज्जती कर करके ही आज इतने ऊपर उठे हैं क्योंकि लोगों को अपनी बेइज्जती करवाना अच्छा लगता है दूसरी बात एक वो जो भाई साहब थे जो
इंटरव्यू ले रहे थे, है ना, दो टांगों वाले कुत्ते की बात चल रही थी, तो पूछ रहे उनके दुम पीछे होती है या आगे। भाई तुमको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आप ही की बात कर रही थी आप ही जैसे लोगों की बात कर रही थी। और मेलोडी चॉकलेट में ड आता है लास्ट में, है ना, उसमें इन्होंने ड लगा दिया और सोच रही हैं कि वाह 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 बड़ी फनी वीडियो हो गई, नहीं बड़ी बड़ी फनी बात कह दी हमने हाथ हो गई। दूसरी वो एक और बेवकूफ सी औरत थी, है ना, कैसे पढ़ सकती है हमारे होटल में सीबीआई की रेड जबकि हमारा अकाउंट एसबीआई में है, यहाँ कुछ है या फिर सारा भूल आई हो होटल के बाहर ही हद है यार। और वो सब पनीर की सब्जी बनाने का तरीका, वाह क्या बात है, ये पता है ऐसा लग रहा था किसी सिंगल लड़के की रेसिपी है क्योंकि हॉस्टल में रहते हुए किसी सिंगल लड़के की रेसिपी है ओ भाई। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।